दर्शकों, ये थी हमारे भारतीय नाट्य अकादमी के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की प्रस्तुति घासीराम कोतवाल। सारा श्रेय जाता है इस नाटक के निर्देशक को। मैं आगे ही अपने सर रवि केमू जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, जिन्होंने निवेदन किया एक महीने तक रंग करके हमारे बच्चों के साथ प्रस्तुति का मंचन करने में मदद की, सिखाया उन्हें। केमू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आप भी मंच पर आए। और इसके साथ में अकादमी के निदेशक अनिल गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि हम हमारे सचिव जी को प्रस्तुति में बैठकर हम उनको को मंच पर लाएं और एक कलाकार दूसरे कलाकार को कुछ गुप्त दे करके उसका अभिनंदन करे, स्वागत करे। मंच के पीछे बहुत सारे कलाकार हैं। मैं चाहूंगी कि डायरेक्टर ऑफ द शिप यानी केमू साहब हमारे संगीत टोली का और बैक स्टेज के लोगों का परिचय करा दें। नमस्कार, आप सबका धन्यवाद कि आपने अपना मूल्यवान समय इस प्रस्तुति के लिए बलिदान कर दिया। ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट जिनका टोटल नंबर 36 है, तो हमें 36 लड़के भी कम पड़े, इसलिए कई लोग मल्टीपल डोज कर रहे थे। उसके अलावा जो हमारी सिंगिंग टोली है, मिस्टर महेंद्र और महेंद्र जी हारमोनियम पे, मनोज पाठक जी ढोलक पे, पवन कुमार जी मंजीरा एंड वॉइस, मनोज मिश्रा जिनको हमने एमरजेंसी में बुलाया और लाइट कराई थी। बाकी जितने लोग स्टेज पे थे यही सब बैक स्टेज में। सबसे बड़ा इस प्रोडक्शन का महत्व इसलिए है कि इसमें जो म्यूजिक एंड साउंड मेकिंग की जो इंचार्ज थी वो लेडी थी, लड़की थी, जिसका नाम पूजा है। पूजा वेरी गुड एक्ट्रेस, लेकिन हमने सोचा कि मेटर डिपार्टमेंट संभाले तो लड़कियाँ भाग जाती है संभाल लेंगे, तो शी वाज ट्राइंग टू बीट द ड्रम विद ऑल हर मसल पावर। एंड इन्होंने लावणी की साड़ी आज तक पहनी नहीं है ना, देखी थी, और महाराष्ट्र में लावणी की साड़ी मिली नहीं, तो उसको कैसे बनाया गया, थोड़ा मरोड़ा गया, वो नमूना भी आपके सामने है। एंड मोर ओवर इट वॉज अ वेरी गुड ट्रेनिंग ओरिएंटेड प्रोडक्शन। तो ये नाटक चुनने के लिए मेकअप राठौर जी और प्रियदर्शनी उनकी डॉटर, नेगी जी साउंड उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और आप सब जो इतनी देर बैठे हैं, इससे बढ़िया काम तो कोई कर नहीं सकता। आप सबका धन्यवाद होता है। हमने पहले कह दिया था और आप सभी लोग कह रहे हैं कि तालियां बता रही हैं कि बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस था और आपकी मेहनत जो है दिखाई दे रही है सबके चेहरे पे, सबके परफॉर्मेंस पे। चलो, वेरी हैप्पी, बहुत खुशी हुई है देख के पहला परफॉर्मेंस यहाँ पे आके दिया है हमें, मतलब प्रवीण ने अच्छा काम कर रहा है। बाकी खुशी साहब बताएंगे क्या टेक्निकल खामियाँ क्या है, हम लोग तो दर्शक की तरह से बहुत एंजॉय, वो पहली चीज़ तो वही है, बाकी तो ये तो खैर सब खींचते ही। और इसकी कल और परसों 6:30 बजे दो प्रस्तुतियां और होंगी, आप सब सादर आमंत्रित है, जरूर आइएगा। उससे खास बात ये है कि कल नाना और घासीराम अलग होंगे और परसों भी नाना और घासीराम अलग होंगे, तो तीन तरह के नाना है, तीन तरह के घासीराम है, तो इसलिए वो तीन तरह का इंटरेक्शन हो रहा है लोगों के साथ। सबको चांस मिलेगा, सबका साथ सबका विकास।